Good morning, students. Today we will continue with the play, The Merchant of Venice. We are at Act Two, Scene Seven. We are at Bel Belmont, a room in Portia's house. Portia, you know, is our heroine. Hai. जिनसे बसैनियों को विवाह करने की उम्मीद है फ्लरिश फ्लारिशकोनिट्स एंटरपोशिया विद द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड बोथ द ट्रेन्स बोथ द ट्रेन्स ट्रेन्स का यहाँ पर मतलब है फॉलोअर्स क्योंकि प्रिंस ऑफ मोरक्को था तो वो अकेला तो कहीं जाता नहीं उनके साथ उनके बहुत सारे संतरी वगैरह चल रहे हैं पोशिया भी शी इज़ अ वेरी रिच लेडी बहुत धनवान हैं तो उनके साथ उनके नौकर चल रहे हैं सो so, अब पोशिया कहती है गो ड्रॉ असाइड द कर्टन्स एंड डिस्कवर द सेवरल कैस्केट्स टू दिस नोबल प्रिंस अब आपको याद होगा कि पिछले पहले पोशिया ने कहा था प्रिंस ऑफ मोराको को कि प्रिंस ऑफ मुराक्को को पोशा ने बताया था कि पहले डिनर लेंगे डिनर खाकर चैपल में यानी कि ईश्वर के सामने भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे वी विल यू विल प्रे और अब वो यहाँ पर आ गए हैं अपना कैस्किट्स को चैन करने के लिए सो शी ऑर्डर्स हर सर्वेंट गो एंड ड्रॉ असाइड द कर्टन्स ड्रॉ असाइड मीन्स पुल दैमसाइड एंड डिस्कवर डिस्कवर का मतलब है शो एस एच ओ डब्ल्यू शो या दिखाना शो द सेवरल कैस्केट्स टू दिस नोबल प्रिंस नाउ मेक योर चॉइस यानी कि कर्टन् हटाओ एंड प्रिंस को वो कैस्केट्स दिखा दो एंड देन वो प्रिंस कहती हैं अब आप अपना कौन सा कैस्केट चूज़ करेंगे आप वो चयन आप कर लें आगे बढ़ने से पहले मैं वापस याद दिलाना चाहूँगी दैट पोशिया के फादर ने द फादर ऑफ पोशिया हैड डिवाइज्ड अ लॉटरी एक लॉटरी उन्होंने तैयार की थी इन विच देर व थ्री बॉक्सेस कैस्केट का मतलब है बॉक्सेस तीन डब्बे थे वन वॉज मेड ऑफ़ गोल्ड द सेकेंड वॉज मेड ऑफ़ सिल्वर एंड द थर्ड वॉज मेड ऑफ़ लेड एंड वन ऑफ़ द थ्री बॉक्स होल्ड्स पिक्चर, उन तीनों में से एक के अंदर पोशिया की पोर्ट्रेट है या तस्वीर है पेंटिंग है उनके चेहरे की और वो बॉक्सेस बंद हैं बाहर उन बॉक्सेस के कुछ कुछ लिखा हुआ है तो लॉटरी का चयन करने वाला बाहर लिखावट को पढ़कर फिर डिसाइड करेगा कि कौन से बॉक्स में पोशा की तस्वीर होगी और अगर उनकी चॉइस सही रही यानी कि अगर उन्हें वो बॉक्स मिल गया जिसमें पोशिया का चेहरा कैद है एक तरीके से तो उनकी शादी पोशा से हो जाएगी तो प्रिंस ऑफ मोराक को शुरू करते हैं दिस फर्स्ट ऑफ़ गोल्ड हु दिस प्रिस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन बेर्स हु मतलब विच दिस फर्स्ट बॉक्स इज़ मोई मेड ऑफ़ गोल्ड एंड आउटसाइड दिस बॉक्स दिस इज वॉट इज रिटन इंस्क्रिप्शन मतलब कैप्शन या राइटिंग जो लिखावट है वो है और क्या लिखा हुआ है बॉक्स के बाहर हु चूज इत मी शाल गेन वॉट मैनी मैन डिज़ायर यानी हु चूज मी शाल गेन मीन्स शाल गेट वॉट मैनी मैन डिज़ायर डिज़ायर यानी कि वॉन्ट या विश जो भी मेरा चयन करेगा उसे वो ही मिलेगा जो बहुत सारे लोग जिसकी इच्छा या कामना रखते हैं द सेकेंड सिल्वर यानी कि पहले वो तीनों को पढ़ते हैं द सेकेंड सिल्वर विच दिस प्रमिस कैरीज हु चूज इथ मी शाल गेट एज मच एज ही डिज़र्व्स जो दूसरा है सिल्वर का उसके बाहर ये लिखा हुआ है कि जो मुझे चुनेगा उसको वो ही मिलेगा जितना उसको चाहिए जितना उस वो जिसके लायक है व्हाट ही डिजर्व्स दिस थर्ड डल लेड विथ वार्निंग ऑल एज ब्लंट वार्निंग यानी कि कॉशन ये जो तीसरा है तीसरा बॉक्स है वो लेड का बना हुआ है लेड एक धातु है जिसको हम हिंदी में सीसा बोलते हैं जिससे हमारी काली लिखने की पेंसिलें बनती हैं तो वो पेंसिल के अंदर जो जो काला काला लंबा सा होता है वो एक्चुअली एक धातु है बहुत नरम ग्रे कलर का ब्लैकिश ग्रेश ब्लैक कलर का धातु होता है बहुत सॉफ़्ट होता है इसलिए हम उससे लिख सकते हैं सो so, ये जो लेड बॉक्स है उसके बाहर भी ऐसा ही कुछ लिखा है और वो लिखा है हु चूज़ इथ मी मस्ट गिव एंड हैज़र्ड ऑ ऑल ही हैथ हैज़र्ड यानी कि रिस्क या गैम्बिल करना यानी कि जो मुझे चूज़ करेगा उसको पहले देना पड़ेगा और जो भी कुछ उसके पास है उसको उसे एक तरीके से जोखिम में डालना पड़ेगा तभी उसको पर्याप्त फल मिलेगा हाउ शाल आई नो इफ़ आई डू चूज़ द राइट ये तीनों पढ़ने के बाद वो पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सही बॉक्स को चयन किया है या नहीं तो पोशाओं ने बताती है द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर प्रिंस तीनों में से एक बॉक्स में वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर मेरी तस्वीर है मेरी पेंटिंग है मेरी पोर्ट्रेट उनके अंदर है इफ़ यू चूज़ दैट देन आई एम yours विथ ऑल अगर आपने उस सही बॉक्स को चुना देन आई एम योर्स विद ऑल का मतलब है विद एवरी थिंग दैट आई प्रोजेस जो भी कुछ मेरे पास है सारी धन संपत्ति और मैं खुद आपके हो जाएंगे तो प्रिंस ऑफ मोरक्को को दुआ मांगते हैं सम गॉड डायरेक्ट माई जजमेंट कोई गॉड मुझे डायरेक्ट यानी कि गाइड गाइड मी लेट मी सी आई विल सर्वे द इंस्क्रिप्शन बैक अगेन अब वो चलकर इस समय लेड कैस्केट के आगे आकर खड़े हुए थे तो कहते हैं कि मैं देखना देखता हूँ लेट मी आई विल सर्वे सर्वे यानी कि इंस्पेक्ट या रीड मैं दोबारा से इंस्क्रिप्शंस को पढ़ूँगा वॉट से इज़ दिस लेडन कैस्केट ये लेड कैस्केट क्या कह रहा है हु चूज इथ मी मस्ट गिव एंड हैज़र्ड all ऑल ही हैज़ मैंने बताया आपको गैम्बल करना या सब कुछ दाव पे लगा देना अब वो सोचता है मस्ट give मुझे देना पड़ेगा फॉर वॉट फॉर लेड वो भी इस काले बदरंगे बदसूरत डब्बे की वजह से मुझे सब कुछ देना पड़ेगा hazard फॉर लेड दिस casket थ्रेटन्स यानी कि ये जो कैस्केट है ये तो मुझे धमकी दे रहा है एक तरीके से मुझे धमका रहा है मुझे डरा रहा है मैन दैट हैज़ड ऑल अब आगे बढ़ने से पहले इस पॉइंट से निशान लगा लीजिएगा ये एक सोलिलोक्वी है एक तरीके से सोलिलोक्वी का मतलब है जब कोई एक व्यक्ति एक तरीके से खुद से बात करता है और वो बिल्कुल अनअवेयर होता है अनभि विज्ञ होता है इस बात से कि कोई उनकी बात को सुन रहा है एंड so, आप इन शब्दों को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए भी मार्क कर सकते हैं यानी कि संदर्भ सहित व्याख्या कर के लिए भी इसको निशान लगा लीजिएगा मेन दैट हैजर्ड ऑल डू इट इन होप ऑफ फेयर एडवांटेजेस मतलब दोज मेन Who are ready to risk everything? They hope. Why do they do it? Because they hope of getting some benefit or some gain. गेंद वो आदमी जो अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि इस ऐसा करने से उन्हें फ़ायदा मिलेगा या उनको कोई बेनिफिट होगा अ गोल्डन माइंड स्टूप्स नॉट टू शोज ऑफ ड्रॉस स्टूप्स का मतलब है टू बेंड इन्स अपलिकेशन यानी कि सर झुका लेना अ गोल्डन माइंड यानी कि जिसका जिसके जिसकी सोच बड़ी होती है या जिसका जो धनवान होता है एक तरीके से खुद वो ऐसे ड्रॉस का मतलब है स्कम स्कम यानी कि समथिंग वर्थलेस यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई मूल्य ही नहीं है मूल्यहीन जिसको कहते हैं तो जो कोई गोल्डन माइंड रखता हो वो ऐसे लेड जैसी uh, मूल्यहीन वस्तु के आगे नहीं झुकेगा आई विल देन नॉर गिव नो हैजर्ड ऑट फॉर लेड ऑट मीनिंग एनी थिंग एंड सो ना मैं कुछ दूंगा गिव ना मैं कुछ दाव पे लगाऊंगा या रिस्क करूंगा हैज़र्ड ऑट यानी कि एनी थिंग फॉर लेड मैं लेड के लिए तो कुछ भी नहीं गवाने वाला हूँ mm. फिर वो आगे आते हैं वॉट से इज़ द सिल्वर अब वो सिल्वर कैस्केट के सामने खड़े हैं हर वर्जिन यू वर्जिन का मतलब है वाइट यहाँ पर वर्जिन यू का मतलब है वाइट कलर चांदी का जो रंग होता है सफ़ेद सा होता है तो इस डब बॉक्स के सामने क्या लिखा है हु चूज़ इत मी शाल गेट एज़ मच एज ही डिज़र्व्स जो मुझे चूज़ करेगा उसको उतना ही मिलेगा जितना वो उसके लायक है पॉज दुरक् यहाँ रुक जाओ मुक्को स्टॉप मुड़क्को एंड वे दाई वैल्यू विथ एन ईवन हैंड वे दाई वैल्यू मीनिंग जज योर सेल्फ अपने आप को जज करो विथ एन ईवन हैंड का मतलब है

अपनी ओपिनियन से अपनी सोच से खुद का मूल्यांकन करोगे इफ दाओ बीज रेटेड रेटेड का यहाँ पे मतलब है मूल्यांकन करना बाय द एस्टिमेशन दाउ डॉस्ट डिजर्व इनफ एंड येट इनफ मे नॉट एक्सटेंड सो फार एज टू द लेडी यानी कि वैसे तो तुम इस लायक हो कि तुम्हें सब बहुत कुछ मिलना चाहिए लेकिन क्या पता एंड येट इनफ में नॉट एक्सटेंड सो फार एज टू द लेडी एक्सटेंड यानी कि इंक्लूड यानी कि इट मे नॉट इंक्लूड द लेडी जितना तुम्हें चाहिए उसमें क्या पता ये लेडी शामिल नहीं हो एंड येट टू बी अफियर्ड ऑफ माई डिजर्विंग व बट अ वीक डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ एंड येट टू बी अफियर्ड अफियर्ड मीन्स अफ्रेड या डरना किस चीज से डरना

नज़र में खुद का मूल्यांकन कमज़ोर करना भयभीत होना का मतलब है कि मैं अपने आप को एक कमज़ोर राय रखता हूँ खुद के लिए वाई दैट इज़ द लेडी एज मच एज आई डिज़र्व मतलब दैट इज़ द लेडी मुझे क्या चाहिए वो तो लेडी चाहिए आई डू इन बर्थ डिज़र्व हर हम परिवार की बात करें तो मैं उनसे और ऊंचा हूँ बिकॉज वो याद रहे वो एक देश के राजकुमार हैं एंड इन फॉर्च्यून्स धन की बात करें तो भी हम बराबर हैं इन ग्रेसेस ग्रेसेस यानी कि एटिकट यानी कि शिष्टाचार शिष्टाचार की बात करें तो वो तो राजघराने में पले हुए हैं ना पूरा हर शिष्टाचार आता है उनको एंड द क्वालिटीज़ ऑफ ब्रीडिंग यानी कि हर तरीके से हम इक्वल हैं बट मोर दैन दीज इन लव आई डू डिज़र्व लेकिन इससे भी ज़्यादा आई लव हर आई डिज़र्व हिकॉज आई लव हेरा जो प्यार है इनके लिए उसकी वजह से ये मुझे ही मिलनी चाहिए वॉट इफ आई स्ट्रेट नो फर्दर स्ट्रेट नो फर्दर यानि कि वॉट इफ आई डि इफ आई डोंट गो एनी फर्दर अगर मैं आगे नहीं जाऊँ तो तो यहीं रुक जाऊँ कहाँ पे सिल्वर बॉक्स के आगे बट चूज़ इसको चैन करूँ बट देन ही से फील्स लेट अस सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रेव्ड इन गोल्ड वो कहते हैं एक बार और गोल्ड कैस्केट पे क्या लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं या वो हम देख लेते हैं और उसके आगे क्या लिखा हुआ है हु चूज़ इथ मी शाल गेन वॉट मैनी मैन डिज़ायर गेन यानि कि गेट पहले भी बताया है और डिज़ायर का मतलब है विश या वॉन्ट जो मेरा चैन करेगा उसे वो सब कुछ मिलेगा जो उसे चाहिए ओके वाई दैट इज द लेडी और मुझे क्या चाहिए मुझे तो लेडी चाहिए ऑल द वर्ल्ड डिज़ायर्स मैं ही नहीं पूरी दुनिया उनके पीछे भागती है फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ दे कम मीनिंग सूटर्स सूटर्स यानी कि विवाह का में हाथ मांगने वाले दे कम फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू किस दिस श्राइन ना श्राइन का बेसिक मतलब होता है टेम्पल ओके एंड पोशिया इज़ सो ब्यूटिफुल इतनी खूबसूरत हैं दैट शी इज़ नो लेस दैन अ गॉडस वो एक देवी से कम नहीं हैं और जहाँ पर भी देवी का वास होता है या गॉडस रहती है वो स्थान मंदिर के जैसा होता है यानी कि टेम्पल होता है दूसरे शब्दों में श्राइन होता है सो सूटर्स कम फ्रॉम ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड टू किस द श्राइन दिस मॉटल ब्रीदिंग सेंट मॉटल यानि कि ह्यूमन ये सांस लेने वाली जीवंत इंसान हैं लेकिन संत के जैसी है द हायरिकनियन डेजर्ट्स एंड द वास्टी वाइल्ड ऑफ वाइड अरेबिया आर एज थरोफेयर नाउ फॉर प्रिंस टू कम व्यू फेयर पोशिया ओके हायरकेनियन डेजर्ट डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान ठीक है तो अरेबिया में जो रेगिस्तान है लोग उसको भी आसानी से पार करके यहाँ पहुँचते हैं और रेगिस्तान जिसमें बहुत ख़तरा होता है रेत होती है Uh, सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है पानी नहीं मिलता है लेकिन लोग ये सारे जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं और इतनी भीड़ चली आ रही है रेगिस्तान को पार करके कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जो डेज़र्ट है जो रेगिस्तान है वो एक खुला बाज़ार हो गया है थारोफेयर हो गया है थारोफेड़ का मतलब है क्राउडेड मार्केट प्लेस क्राउडेड मार्केट प्लेस बाज़ार जहाँ पर बहुत भीड़ हो और ऐसा क्यों हो रहा है फॉर प्रिंसेज कम टू व्यू फेयर पोशिया व्यू मीन्स टू लुक एट टू सी बिकॉज प्रिंसेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम टू गेट अ लुक एट पोशिया केवल पोशिया के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ आते हैं ठीक वैसे ही जैसे लोग मंदिर में देवी के दर्शन करने के लिए जाया करते हैं द वॉटरी किंगडम केवल रेगिस्तान ही नहीं समुद्र भी द वॉटरी किंगडम मीन्स ओशंस हुस हेड्स इन द फेस ऑफ हेवन यानी का या इसका मतलब है हाई वेव्स इन द सी हाई वेव्स इन द सी राइज अप टू द स्काई हेवन का मतलब है स्काई यानी कि ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठती हैं और वो ख़तरा भी लोग उठाने के लिए तैयार होते हैं क्यों इज़ नो बार नो बार मीन्स नो ऑब्स्टिकल समुद्र जहाज समुद्री जहाज़ के ज़रिए ट्रैवल करके यात्रा करके लोग आने के लिए तैयार हैं और वो ऊंचे-ऊंचे उठने वाली लहरों से भी नहीं डरते केवल इसलिए उनको रोका नहीं जा इज़ नो बार यानी कि वो रुकते नहीं हैं

इसका मीनिंग लिख लीजिएगा आप मैं बोल रही हूँ आप लिखेंगे सूटर्स एस यू आई टी ओ आर एस सूटर्स आर सूटर्स आर विलिंग टू टेक द रिस्क टू टेक द रिस्क आर आई एस के रिस्क यानी कि जोखिम उठाना ऑफ क्रॉसिंग द डेज़र्ट्स क्रॉसिंग सी आर ओ डबल एस आई एन जी करॉसिंग द डेज़र्ट्स एंड ओशन्स एंड ओशंस ओ सी ई एन एस डेज़र्ट्स यानी कि रेगिस्तान ओशन्स का मतलब है समुद्र ओनली Only to get a glimpse to get a glimpse G L I M P S E glimpse का मतलब है झलक लेना किसी की केवल झलक मिल जाना टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ पोर्शिया ऑफ पोर्शिया यानी कि रेगिस्तान हो चाहे समुद्र हो लोग उनको आसानी से पार करके पोर्शिया के दरवाजे तक आते हैं ताकि उन्हें पोशिया को देखने का मौका मिले बट दे कम एज़ ओवर अ ब्रुक टू सी फेयर पोशिया अब वो आगे बोल रहे हैं वन ऑफ दीज थ्री कंटेन्स हेवनली पिक्चर इन तीन में से एक बॉक्स जो है उसमें पोशिया की तस्वीर है हेवनली पिक्चर यानी कि ब्यूटिफुल लाइक अ गॉडस इज इट लाइक दैट लेड कंटेन्सर अब वो सोच रहे हैं क्या लेड बॉक्स के अंदर वो छुपी हुई हैं बट देन वो इस आइडिया को ही रिजेक्ट कर देते हैं इट व डैमनेशन डैमनेशन मीनिंग सिंफुल इट वुड बी अ अन्फुल थाट ऐसा सोचना भी पाप है टू थिंक सो बेस अ थॉट इट व टू ग्रॉस ग्रॉस ऑफ लो वैल्यू वो जिसकी कीमत बहुत तुच्छ या कम होती है टू रिबहर्स यर क्लॉथ इन द ऑब्सक्योर ग्रेव टू रिबहर यानी कि टू कवर हू कवर हर इन द डार्क ग्रेव ऑब्सक्योर मतलब डार्क और ग्रेव का मतलब है कब्र जिसमें शरीर को दफनाते हैं तो लेड बॉक्स की बात हो रही है कि लेड का क्योंकि कलर डार्क होता है ब्लैक होता है तो वो कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत देवी को इस ब्लैक डब्बे में बंद करेंगे ऐसा सोचना भी पाप है और शाल आई थिंक इन सिल्वर शीज़ एम्योर्ड एम्योर्ड का मतलब है क्लोज्ड या उनको सिल्वर के डब्बे में बंद कर रखा है कैद कर रखा है बींग टेन टाइम्स अंडर वैल्यूड टू ट्राइड गोल्ड ट्राइड यानी कि टेस्टेड अंडर वैल्यूड यानि कि डाउन इन वैल्यू सोने की तुलना में चांदी की कीमत दस गुना कम है तो क्या उसे पोशिया को सिल्वर बॉक्स में बंद किया है ये आइडिया भी रिजेक्ट हो जाता है ओ सिंफुल थाट कि नहीं ये भी एक ये भी गलत विचार है रिच अ जेम वॉज सेट इन वर्स दैन गोल्ड जेम यानी कि प्रेशस स्टोन कीमती पत्थर पोशिया जैसा कीमती पत्थर गोल्ड के सिवाय किसी और धातु में सेट हो ही नहीं सकता यानी कि उनकी तस्वीर यकीनन गोल्ड कैस्केट के ही अंदर होगी दे हैव एन इंग्गलैंड अ कोइन दैट बेज़ द फिगर ऑफ एन एंजल स्टैम्प्ड इन गोल्ड अब वो सोच रहे हैं वो कहते हैं कि इंग्लैंड में एक सिक्का चलता है जिसके ऊपर एक परी एजल का मतलब है परी का चेहरा स्टैम्प्ड है सोने की गिन्नी पे बट दैट इज़ इंस्कल्प्ट अपन लेकिन वो जो फेस है वो तो ऊपर से स्टैम्प्ड किया हुआ है एनग्रेवड किया हुआ है बट हेयर एन एंजल इन अ गोल्डन बेड लाइज ऑल विद इन लेकिन यहाँ तो एक एंजल यानी कि पोर्शिया इन अ गोल्डन बेड यानी कि इनसाइड द गोल्ड कैस्केट गोल्ड गोल्ड कैस्केट के अंदर छुपी हुई है या सो रही है डिलीवर मी द की अब वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो गोल्ड कैस्केट को ही खोलेंगे मेरे को चाबी दे दीजिएगा हेयर डू आई चूज़ एंड थ्राई वाई एज आई मे दैट इज़ मैं इसका चयन करता हूँ एंड आई होप आई एम लकी एंड आई होप आई एम सक्सेसफुल इन माई चॉइस आई होप मैंने सही बॉक्स को चूज़ किया है एंड बी एज लकी एज आई मे पोषा कहती है देर टेक इट प्रिंस पोषा के पास वो चाबी है वो उनको चाबी दे देती है एंड इफ़ माई फॉर्म लाए देर और अगर मेरा चेहरा मेरा मेरी तस्वीर उसमें अंदर आपको मिल जाए देन आई एम योज़ फिर मैं आपकी बन जाऊँगी अब मुरख को खोलते हैं ही अनलॉक्स द गोल्डन कैस्केट एंड फिर उनके शब्द देखेगा ओ हेल वट हैव वी हेअर ये क्या अ कैरियन डेथ विद इन हुज एम टी आई देर इज़ अ रिटर्न स्क्रॉल नौ अंदर पोशा की तस्वीर तो होती नहीं है इट इज़ नॉट हर पिक्चर इंस्टेट देर इज़ अ स्कल हैड वो खोपड़ी होती है ना एक मृत व्यक्ति की जिस जो केवल हड्डी का ढांचा होता है जिसको हम इंग्लिश में स्कल के स्कल हेड कहते हैं आपने तस्वीरें देखी होंगी सो so, <coughs> आपको दिखाती हूँ मैं उसकी तस्वीर एक मिनट रुकेंगे दिस इज़ अ स्कल head. आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये स्कल हेड्स कहलाते हैं जिसमें केवल हड्डी का ढांचा है सर का और जिसमें आँखें गायब हैं नाक भी नहीं है, केवल खड्डे हैं सो उनको उसके आँख में हुज़ एम टी उस एम टी आई देर इज़ अ रिटर्न स्क्रॉल और उसके आँख की जगह जो खड्डा है वहाँ पे लिखा हुआ है आई विल रीड द राइटिंग एक कागज़ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है अब वो पढ़ते हैं ही रीड्स ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड ऑफिन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड यानी हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है ये बात आपने कई बार सुनी होगी मैनियम मैन हिज लाइफ सोल्ड बट माई आउटसाइड टू बी होल्ड मैनी मैन हैव सोल्ड हिज लाइफ यानि कि लोगों ने अपनी जान गंवा दी है किस चीज़ के लिए कि वो हैव लॉस्ट द लाइव्स बट माई आउटसाइड टू बी होल्ड बट मीन्स ओनली माई आउटसाइड टू बी होल्ड बी होल्ड यानि कि टू सी बहुत से लोगों ने सोने को देखने के लिए सोने की चमक से आकर्षित होकर अपनी जान गवा दी है गिल्डेड टूम्स डू वर्म्स एन फोल्ड गिल्डेड यानी कि गोल्डन टूम्स का मतलब है ग्रेव्स या कब्र बाहर से चाहे कब्र के ऊपर सोना जड़ा हुआ हो लेकिन अंदर केवल कीड़े होते हैं जो मृत शरीर को खा जाते हैं। हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड यंग इन लिम्स इन जजमेंट ओल्ड अगर तुम इफ़ यू हैड बीन एज वाइज एज यू आर बोल्ड हिम्मत वाले हो लेकिन समझदार नहीं हो अगर तुम्हारे अंदर इतनी समझ होती यंग इन लिम्स इन जजमेंट टोल्ड यंग इन लिम्स यानी कि यू आर यंग आप जवान हैं बॉडी आपकी यंग है लेकिन आपकी सोच आपका जजमेंट भी वैसा ही होना चाहिए था यो आंसर हैड नॉट बीन इंस्क्रोल्ड यानी कि योर आंसर वुड नॉट हैव बीन अ स्क्रॉल आपको जवाब में ये कागज़ नहीं मिलता फे यू वेल योर सूट इज कोल्ड यानि कि गुड बाय बिकॉज योर सर्च सूट का मतलब है सर्च फॉर अ वाइफ सर्च फॉर अ वाइफ इज कोल्ड कोल्ड का मतलब है यू हैव फेल्ड शर्त के मुताबिक लिखेंगे आप जरा ही विल हैव टू स्पेंड ही विल हैव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन सेलिबसी सी ई एल आई बी ए सी वाई C E L I B A C Y, सेलिबेसी का मतलब है कि वो जिंदगी में कभी भी किसी महिला के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे ना ही उनका विवाह कभी होगा यही शर्त थी अब वो कह रहे हैं कोल्ड इन डीड एंड लेबर लॉस्ट लेबर यानी कि एफर्ट यस आई हैव फेल्ड एंड इट इज़ अ वेस्ट ऑफ वर्क देन फेयर हीट एंड वेलकम फ्रॉस्ट ना हीज़ फुल ऑफ सौरो बेचारा बहुत दुखी हो गया है पोशिया अड्यू अड्यू मीनिंग गुड बाय आई हैव टू ग्रीवड अ हार्ट टू टेक अ टीडियस लीव टीडियस लीव यानी कि लॉन्ग लीव ग्रीवड अ हार्ट मीन्स माई हार्ट इज सो फुल ऑफ सौरो मेरा दिल इतना दुखी हो गया है कि मैं बहुत लम्बे चौड़ी तरीके से आपसे गुड बाय नहीं करूँगा दस लूजर्स पार्ट यानी कि मैं इमिजटली यहाँ से चला जाता हूँ एंड एग्जिट विथ हिज ट्रेन और वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं पोशिया अ जेंटल रिडन्स ड्रॉ द कर्टन्स गो लेट ऑल हिज कॉम्प्लेक्शन चूज़ मी सो कि कर्टन्स वापस खींच दो इस जगह को बंद कर दो और फिर वो दुआ करती है कि हर वो आदमी जो इनके जैसे काले रंग का हो कॉम्प्लेक्शन यहाँ पे किस चीज़ के लिए कह रहे हैं कॉम्प्लेक्शन यानी कि कलर ऑफ द स्किन एंड इनका ये याद रहे मोरक्को से थे मोरक्को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है काले लोग होते हैं वहाँ पे सो लेट ऑल ऑफ हिज कॉम्प्लेक्शन यानी कि लेट ऑल मैन विद डार्क स्किन चूज़ मी इन दिस वे यानी कि काश उनकी चॉइस गलत हो एंड एग्जिट इसके साथ हम यहीं रुकते हैं अगले सेशन में हम एक्ट टू सीन एट करेंगे थैंक यू